हेलो एवरीवन, दिस इज संतोष गुप्ता और आप देख रहे हैं रिदम हाउस। और जैसा कि मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो अपलोड किया था बॉलीवुड सॉन्ग नाकाबंदी का फुल एडिटिंग ऑक्टापैड एसपीडी 20 के पैच का, तो उसमें मेरे बहुत सारे कमेंट आए हैं बहुत सारे सब्सक्राइबर के। तो जिसमें से कि एक सब्सक्राइबर हैं उनका कमेंट आया है कि सर बॉलीवुड पैच का जो सेकेंड नंबर का जो पैच है जो एक वीडियो में मैंने अपलोड किया था उसका एडिटिंग बताने के लिए। तो जैसा कि अभी मैं प्ले किया तो आपको तो समझ में आ ही गया होगा कि ये कौन सा पैच है, तो इसकी फुल एडिटिंग मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये भी बहुत बहुत ही ज़्यादा सुपर डुपर हिट सॉन्ग पग घुंघरू बांध मीरा नाची की जो सॉन्ग है बप्पी लहरी जी का वो सॉन्ग है, उसका पैच है ये। और इसको कैसे प्ले करना है, उसमें क्या इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं, सारा चीज़ मैं आप लोगों को अभी बताने वाला हूँ। और इसके अलावा और भी कमेंट उस वीडियो में मेरे आए थे तो मैं एक पढ़ता हूँ आपके सामने। पहले तो अरुण भारती जी का ये रिक्वेस्ट था इस पैच का, तो अरुण भारती जी के लिए मैं ये पैच स्पेशली बना रहा हूँ। और दूसरा रिक्वेस्ट जो है गुरु रंधावा जी का है, गुरु रंधावा जी के नाम से एक चैनल है, तो उनका रिक्वेस्ट है कि क्या 20X में ये पैच काम करेगा। तो 20X में भी ये पैच काम करेगा लेकिन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा वो, क्योंकि उसमें प्री डिले डायरेक्ट अपन यूज़ नहीं कर सकते हैं इसके लिए। तो और भी बहुत सारे कमेंट हैं लेकिन सब नाइस सर, गुड सर, थैंक यू सर, यही है। तो मैं सबका नाम लूँगा एक एक वीडियो में, एक एक जैसे जैसे नेक्स्ट आता जाएगा सबका नाम लूँगा मैं। और आप ऐसे ही रिक्वेस्ट देते रहिए और मैं कोशिश करूँगा पूरा करने का। तो चलते हैं ऑक्टापैड के स्क्रीन में और देखते हैं इसकी एडिटिंग। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं इस पैच की फुल एडिटिंग। तो सबसे पहले तो आप लोगों को मैं इसका हैंड कैसा चलाना आपको अपने उसको, तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि उसको प्ले कैसे करना है। तो इसमें मेन तो एक तो इंट्रो का रिदम है, वो इंट्रो का रिदम पहले प्ले होगा जो मैंने प्ले किया था अभी। इसके बाद जो गाने में बजेगा वो थोड़ा अलग है, इसके बाद फिर बीच में ढोलक का भी काम है, उसके साथ आपको ओनली परकसन बजाना है या घुंघरू बजाना है, अगर आप ट्रिगर है या दूसरा कोई ऑक्टापैड है तो उसको लगा के आप प्ले कर सकते हैं या फिर इसमें ही कुछ एडिट करके आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो फर्स्ट पैटर्न जो मैंने बजाया ये इंट्रो का पैटर्न है, और स्टार्टिंग जो है जो मैंने बजाया था पहले ये पहले परकुशन बजता है, उसके बाद फिर ये इंट्रो का पैटर्न हो गया। और गाने के साथ जब आप बजाएंगे तो उसमें जब गाना आएगा वहाँ पे आपको बजाना है, ठीक है। और उसके बाद जब ढोलक का पैटर्न आता है तो वहाँ पे आप परकशन बजा सकते हैं या घुंघरू जो भी बजा सकते हैं। तो ये हो गया, और इसके बाद अब चलते हैं एडिटिंग की तरफ। तो सबसे पहले इसमें जो मैंने रिवर्ब यूज़ किया है, सबसे पहले रिवर्ब के बारे में आपको बता दूँ कौन सा रिवर्ब है और उसका टाइमिंग क्या है। तो इसका जो रिवर्ब का जो रिवर्ब टाइप है वो 8 नंबर का रिवर्ब लगा हुआ है इसमें, और इसका जो इफेक्ट टाइम है जो रिवर्ब का वो 32 नंबर पर है और उसका लेवल 15 है, फुल है, ठीक है। ये हो गया रिवर्ब का सेटिंग। इसके बाद आपको ए बैंक का ये फर्स्ट ब्लॉक में, ए बैंक के फर्स्ट ब्लॉक में क्या क्या है और सेकेंड में क्या है ये पूरा एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। सबसे फर्स्ट में ऊपर के फर्स्ट ब्लॉक में ए बैंक में L27 लेवल 8 पिच 1 DK31 पेन सेंटर कर VP4 और इसमें जो रिवर्ब का इफेक्ट सैंड है वो 6 नंबर है, ठीक है। तो 6 नंबर में आपको ये इफेक्ट सैंड करना है। ये हो गया ए बैंक। इसके बाद आते हैं बी बैंक, सॉरी सेकंड ब्लॉक में ए बैंक, इसमें लगा हुआ है आपका H11, इसका लेवल है 13 पिच 3 DK फुल पैन, इसका सेंटर EP4 और इसका एफएक्स सेंड रहेगा 4। थर्ड ब्लॉक में B47
लेवल 14, पिच -6, DK5, पेन सेंटर, कर्व EP3, इसमें किक में कोई भी इफेक्ट्स नहीं लगा हुआ है। यहाँ पे चार नंबर पे आते हैं C02 सिंबल, लेवल 10, पिच -2, DK16, पेन सेंटर, EP4, एफेक्ट्स इसमें भी नहीं है। नीचे से फर्स्ट ब्लॉक में आते हैं, यहाँ पे भी एक किक यूज़ किया हुआ है B47, लेवल 10, पिच -3, DK4, पेन सेंटर, कर्व EP3, इसमें भी एफेक्ट्स नहीं है। नीचे से दूसरे ब्लॉक में आते हैं, यहाँ पे लगा हुआ है L06, लेवल 13, पिच 0, DK6, पैन सेंटर, लगभग ये जो पैन है लगभग ज़्यादातर सेंटर में ही यूज़ करते हैं। जब आपको ड्रमिंग या बहुत सारी चीज़ों में जब ज़रूरत पड़ता है तो आप अपने हिसाब से, जब आप स्टीरियो जैक यूज़ करते हैं और आप लेफ़्ट राइट साउंड आप प्ले करते हैं, पैच बनाते हैं, तब इसका ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। वैसे फ़िलहाल सेंटर में ही रख के यूज़ करते हैं। तो इसके बाद फिर इसका आ जाएगा, कर्व आ जाएगा आपका EP3, और इसके बाद ये इसमें एफेक्ट्स एक नंबर सेंड किया हुआ, ठीक है। ये हो गया नीचे से सेकंड ब्लॉक। इसके बाद थर्ड ब्लॉक में आते हैं O14, इसका लेवल है 11, पिच 12, DK15, पैन सेंटर, EP3, इसका एफेक्ट सेंड रहेगा 12। इसके बाद चौथे नंबर के ब्लॉक में आते हैं नीचे से O10, लेवल 11, पिच 4, DK18, सेंटर, EP3, एफेक्ट सेंड 10। ये हो गया ए बैंक का आठों ब्लॉक का एडिटिंग सेटिंग। इसके बाद बी बैंक में आते हैं। बी बैंक में फर्स्ट ब्लॉक में सेकर लगा हुआ है L23, लेवल 12, पिच 0, -4, सेंटर, EP3, एफेक्ट्स 0। सेकंड में आते हैं, यहाँ पे लगा है O04, लेवल फुल, पिच 5, DK17, पेन सेंटर, EP4, एफेक्ट्स एंड 5। थर्ड नंबर में आते हैं L27, सात नंबर का लेवल रहेगा आपका, इसका पिच रहेगा 0, DK0, पेन सेंटर, EP3, एफेक्ट्स एंड 4। चौथे नंबर पे आते हैं O14, लेवल 11, पिच 0, DK10, सेंटर, EP3, एफेक्ट सेंड इसमें नहीं है। इसके बाद नीचे से फर्स्ट ब्लॉक में आते हैं E25, लेवल 9, पिच 3, DK12, पेन सेंटर, EP3, इसमें रिवर्ब आपको देना है 3 नंबर पे। सेकंड ब्लॉक में आते हैं नीचे से L12, लेवल 11, -2, 21, सेंटर, EP3, एफेक्ट्स 0। थर्ड नंबर पे आते हैं O14, लेवल 10, पिच 6, DK-1, सेंटर, EP3, और इसका एफेक्ट्स लेवल 11। चौथे नंबर पे आते हैं, इसमें भी O14, लेवल 7, पिच 4, DK11, पेन सेंटर, कर्व EP3, एफेक्ट्स एंड 11। तो ये हो गया ए बैंक और बी बैंक का एडिटिंग। और इसके साथ सबसे पहले मैंने आपको एफेक्ट्स बता दिया, उसके पहले मैंने आपको ये भी बता दिया कि इसको प्ले कैसे करना है। तीन तरीके से अलग अलग
गाने में प्ले किया हुआ है इसमें तीन पैटर्न एक ही पैंच में तीन पैटर्न अलग अलग प्ले किया हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आए, अगर पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें रिदम हाउस को। थैंक यू।